तीन तलाक पर केंद्र सरकार सख्त कानून बना चुका है, उसके बाद भी तीन तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां सैयद अमीर अली नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक 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 बोलकर तलाक दे दी। 2016 में सैयद अमीर अली की शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। इससे पहले भी महिला ने पति और परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि काउंसलिंग के बाद दोनों साथ में रहने लगे, लेकिन दोबारा विवाद होने पर सैयद आमिर अली ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया। एएसपी आरएस मिश्रा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। तलैया में एक मामला संज्ञान में आया हुआ है। 2016 में पीड़िता की शादी हुई थी और उसके पश्चात ही उसके ससुराल वाले उसको परेशान करने लगे थे, जिसमें 498 का भी मामला पंजीबद्ध हुआ था। उसमें आपस में समझौता हो गया था, लेकिन अभी विगत महीनों में पुनः उनमें विवाद हुआ और उसके पति मिस्टर शेख आमिर अली के द्वारा तीन तलाक बोला गया है, जिसको संज्ञान में लेकर के प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण की विवेचना करके